हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम H.C वर्मा चैप्टर 8 वर्क एंड एनर्जी का प्रॉब्लम नंबर 24 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अ वाटर पंप लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम अ लेवल 10 मीटर बिलो द ग्राउंड। वाटर इज पंप्ड एट द रेट ऑफ 30 केजी पर मिनट विथ नेग्लिजिबल वेलोसिटी। कैलकुलेट द मिनिमम हॉर्स पावर द इंजिन शुड हैव टू डू दिस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या है कि ये पंप लिफ्ट कर रहा है वाटर, ठीक है। तो फ्लो रेट दी हुई आपको पर मिनट में 30 केजी पर मिनट और हाइट दी हुई जितने दूर लिफ्ट किया जा रहा है वो 10 मीटर है, ठीक है। तो इसमें हमें पावर कैलकुलेट करने है हॉर्स पावर में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ मास फ्लो रेट दिया हुआ है, मास फ्लो रेट एम डॉट से भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 30 केजी पर मिनट, और अगर 60 से डिवाइड कर दे तो हमारा हो जाएगा 30 केजी पर सेकेंड, ठीक है, केजी पर सेकेंड, और 0.5 केजी पर सेकेंड। हाइट दी हुई है आपको जितने की लिफ्ट करनी है, हाइट h इक्वल टू 10 मीटर। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि लिफ्ट किया जा रहा है विथ नेग्लिजिबल वेलोसिटी। इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा आपको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है। देयरफॉर पावर कितनी हो जाएगी, पावर रिक्वायर्ड जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो पावर रिक्वायर्ड इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम और डिवाइडेड बाय टाइम कर सकते हैं। तो टाइम हमारा दिया होगा 1 सेकेंड, क्योंकि फ्लो रेट आपका 0.5 केजी पर सेकेंड है। तो ये डायरेक्ट हम मास डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा एम डॉट, मास फ्लो रेट एम डॉट इंटू जी इंटू एच, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एम डॉट की वैल्यू हमारी है 0.5, जी की वैल्यू 9.8 इंटू 10 जूल पर सेकेंड, और ये वाट में हमारी आ गई 49 वाट। बट हमें आंसर देनी है हॉर्स पावर में, तो 1 हॉर्स पावर जो होती है 746 वाट होती है, ठीक है। तो 49 वाट डिवाइडेड बाय 746 वाट पर हॉर्स पावर, ठीक है। तो ये आंसर हमारी हॉर्स पावर में आ जाएगी 6.6 × 10⁻²² हॉर्स पावर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 24 के सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।